और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पहलवानों के मामले में सुनवाई हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में यौन शोषण का मामला ट्रांसफर, यौन शोषण के मामले में तार चार्जशीट पर संज्ञान। सीएमएम माहिवा राय सिंह ने मामले को ट्रांसफर किया, मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेजा गया। एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की अदालत सुनवाई करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलवानों के मामले में सुनवाई, एमपी एमएलए कोर्ट में यौन शोषण का मामला ट्रांसफर, यौन शोषण के मामले में तार चार्जशीट पर संज्ञान। सीएमएम माहिवा राय सिंह ने मामले को ट्रांसफर किया। अवनीश स्कर पर सारा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अवनीश, क्या कुछ आज हुआ? आज चार्जशीट के ऊपर जो है, जो एसीएमएम कोर्ट है हरजीत सिंह जसपाल, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट भी है, चार्जशीट को वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। अब राव जगन्नी कोर्ट की जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो 27 जून को दोपहर 2 बजे इस चार्जशीट के ऊपर संज्ञान लेगी। ये प्रोसेस है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने ब्रिजभूषण मामले में अपनी पूरी जांच की, जांच रिपोर्ट दाखिल की थी, वो सीएमएम कोर्ट में की थी, और सीएमएम कोर्ट ने जहां इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा, जो स्पेशल कोर्ट है एमपी एमएलए कोर्ट, उसने आज इस चार्जशीट को ट्रांसफर कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि जो पॉक्सो को लेकर जो कैंसिलेशन की रिपोर्ट दाखिल की गई थी, क्या उस पर क्या प्रोसेस चल रहा है। हालांकि वो रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर एक अलग कार्यवाही चलेगी। तो इस बीच जो एमपी एमएलए कोर्ट में मामला है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, और 27 जून की दोपहर 2 बजे उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लिए जाने के बाद का जो प्रोसेस होता है, उसमें गिल्टी, हेल्ड नॉट गिल्टी,